नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्राकर स्वागत करता हूं आपका फ्लाया एकेडमी भोपाल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे द्विकर्मक धातु की। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये वीडियो मैंने हिंदी मीडियम वालों को या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बनाया। प्योर संस्कृत में यहां पे नहीं बोलूँगा, हिंदी में मैं आपको समझाऊँगा कि द्विकर्मक धातु क्या होती है और द्विकर्मक धातु के एग्जाम्पल भी बताऊँगा, हर चीज़ बताऊँगा लेकिन हिंदी में। तो कृपया ध्यान दें, ये ना कहें कि प्योर संस्कृत चाहिए आपको। जिसको प्योर संस्कृत चाहिए कृपया कहीं और जाएं। चलिए तो शुरू करते हैं द्विकर्मक धातु। द्विकर्मक धातु नाम से ही प्रूफ हो रहा है कहीं ना कहीं, द्वि मतलब दो, कर्मक मतलब कर्म, दो कर्म वाली धातु को द्विकर्मक धातु कहते हैं। संस्कृत में ऐसे कई वाक्य आते हैं जिनमें द्विकर्मक धातु का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर दो काम होते हैं, द्विकर्म होते हैं, तो उसमें कहीं किस तरीके से द्विकर्म होता है समझिएगा। जैसे क्या होता है कि जब कोई वाक्य होता है तो उसमें कोई एक संकेत दिया जाता है कहीं पे, और किसी में कोई विशेष चीज़ का योग होना, जुड़ना, तो इस तरीके से वो क्या बन जाती है, यहाँ पे दो कर्म हो जाते हैं, तो इसलिए वो द्विकर्मक धातु कहलाती है। अब जानने वाली बात है कि संस्कृत में मात्र 16 ही द्विकर्मक धातु हैं, 16, जी हाँ, मात्र 16 द्विकर्मक धातु हैं पूरी संस्कृत में। और इसकी वजह से ही हमारे जो हम विभक्ति पढ़ते हैं या फिर हम सेंटेंस बनाते हैं या ट्रांसलेट करते हैं, तो कई बार हमारे जो रूल्स होते हैं वो ग्रामर के, जो व्याकरण के रूल होते हैं, वो गड़बड़ा जाते हैं। तो हम क्यों गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि द्विकर्मक धातु पर एक अलग से ही वीडियो बनाकर आप लोगों को समझा दिया जाए। तो सबसे पहले हम जो 16 धातुएँ हैं उनसे शुरुआत करेंगे। तो वो 16 धातु में पहली जो धातु, देखो पहली दूसरी तीसरी चौथी, ऐसा कोई नहीं है, कोई क्रम नहीं है। तो प्लीज़ ये कॉमेंट ना करें कि पहली कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है। 16 होती हैं, उनका कोई वो नहीं है कि पहली है, दूसरी है, तीसरी, और ये क्रम अनुसार चलें। वो तो जहां जैसे यूज होती है वो ही है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये 16 धातु अगर कहीं आ जाएं तो आपको द्विकर्मक धातु होंगे, तो उनकी विभक्ति के रूल्स कुछ चेंज हो जाते हैं, जो कि मैंने आपको द्वितीय विभक्ति में एक पूरा वीडियो एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। और उसमें भी मैंने द्विकर्मक धातु को पूरा समझाया, बट वो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, लोग द्विकर्मक धातु नहीं पढ़ते, उसमें द्वितीय विभक्ति पढ़ने जाते हैं, इसलिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया द्विकर्मक धातु के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली धातु हम पढ़ते हैं दू। दू का मतलब होता है दोहना, दूध दोहना, जी हाँ, दूध निकालते हैं भैंस का, गाय का, जो दूध निकालना, दूध दोहना, उसको पहली धातु को हम दू मतलब दूध दोहना। इसमें भी दो आपके द्विकर्मक होते, कैसे होते कि एग्जाम हिंदी के एग्जाम्पल से समझिएगा, पहले हिंदी से कैसे। किसान भैंस से दूध निकालता है, तो किसान भैंस से दूध दोहता है, या दूध निकालना, तो दूध दोहता है, तो भैंस से दूध दोहता है। तो यहाँ पे दो कर्म हो रहा है, एक भैंस से और दूध को, भैंस से दूध को दोहता है, मतलब किसान जो है, किसान भैंस से दूध को दोहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो कर्म हो रहे हैं, कि भैंस से कुछ काम करवाया जा रहा है, किससे, भैंस से, और काम क्या हो रहा है, दूध दोहना, दूध को दोह रहा है। तो इस तरीके से ये आपकी द्विकर्मक धातु हुई थी, किसान भैंस से दूध दोहता है। तो इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, कृषक है महिषिम दुग्धम दोग्धी, ठीक है। अब आते हम दूसरी धातु पर, याच। याचमीस होता है मांगना, याच, याचमीस क्या होता है, मांगना। जैसे पिता पुत्र से पैसे या रुपये मांगता है, पिता पुत्र से रुपये मांगता है, तो पिताजी से कौन पुत्र पैसे मांगता है। तो आप देख रहे होंगे पिताजी से पुत्र पैसे मांगता है, तो यहाँ पर दो कर्म हो रहे हैं, कि पहले वो मांग रहा है, क्या मांग रहा है, और पैसे भी मांग रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे पिताजी पुत्र से, मतलब पुत्र पिताजी से, तो यहाँ पर दो कर्म हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका द्विकर्मक धातु याच आती है। तो इसको किस तरीके से हम संस्कृत में बोलेंगे, कि पिता से पुत्र पैसे मांगता है, तो पिता से, तो इसको संस्कृत में बोलेंगे पुत्र जनकम रुपयम याचति। तो आप देख रहे होंगे पुत्र में लगा यहाँ पर प्रथम विभक्ति, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे पिता में और रुपये में, दोनों में क्या लगा हुआ है, द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है। तो आपको गाइस अगर सेंटेंस में जो विभक्ति का लोचा, मतलब विभक्ति की जो प्रॉब्लम परेशानी आपको समझ में नहीं आ रही है, तो गाइस आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का वीडियो देखें। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने विभक्ति के पूरे प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक एक एक वीडियो बनाया हुआ है, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब पूरा उसमें समझाया उदाहरण सहित संस्कृत में और हिंदी में।
तो आप वो जाकर जरूर देख लें, क्योंकि विभक्ति नहीं आएगी तो आप संस्कृत सही से नहीं बोल पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना ट्रांसलेट कर पाएंगे। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं तीसरी द्विकर्मक धातु की ओर। पच, पचमीस होता है पकाना। जी हाँ, पचमीस पकाना, जैसे खाना पकाना, चावल पकाना, जो भी चीज़ आप पकाते हैं, तो जो माँ खाना पकाती है या चावल पकाती है, तो इसमें आपका ये पच जो है आपकी द्विकर्मक धातु। जैसे हम एक सेंटेंस ले लेते हैं संस्कृत में, माता चावलों से भात पकाती है, माता चावलों से भात पकाती है। जो माता हैं वो चावलों से क्या कर रही हैं, भात पका रही हैं। तो चावलों से भात पका रही, दोनों का योग हो गया, संकेत मिल रहा है कि चावलों से क्या कर रही हैं, भात पका रही हैं। तो इस प्रकार से ये द्विकर्मक धातु होती है। तो पकाने को तब हम इसको संस्कृत में करते हैं, माता को आप माता भी कह सकते हैं, और अम्बा जो भी आप कहना, माता तंडुलान ओदनम पचती, माता तंडुलान ओचनम पचती। तो इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं चौथी द्विकर्मक धातु पर। दंड, दंड मीन्स होता है सजा देना। जनरली हम सब समझते हैं दंड देना, सजा देना, तो दंड आपकी होती है चौथी द्विकर्मक धातु। नंबर से नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आप सोचो कि चौथी ही है दंड, कोई भी हो सकती है। तो दंड देना आपकी ये भी द्विकर्मक धातु होती है। तो इसमें कौन सी, अब इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जज चोर को जेल की सजा देता है, जो जज हैं वो चोर को काय की सजा दे रहे हैं, जेल की सजा दे रहे हैं। तो यहाँ पर सीधा दंड नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर दो काम हो रहा है कि जो जज हैं उन्होंने क्या किया है, चोर को जेल की सजा दी है। तो समझ में आई बात, इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक धातु है। तो इसको हम संस्कृत में करेंगे, न्यायाधीश चोरम कारावासम दंडती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उनमें दोनों में द्वितीय विभक्ति लगी है, न्यायाधीश में प्रथमा लगी, और वो आपके टेंस के अनुसार है, मतलब लकार के अनुसार है, दंडयती। अब आते हैं अगली धातु पर, रुद्ध। रुद्ध मीन्स होता है रोकना। इसका हम उदाहरण लेते हैं, राम श्याम को कक्षा में रोकता है। तो राम है जो श्याम को कक्षा में रोकता है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका द्विकर्मक धातु। तो इसको कैसे बोलेंगे, राम है श्यामम कक्षाम रोड़ती, मतलब राम जो है वो श्याम को कक्षा में जाने से रोकता है। तो बढ़ते हैं अब अगली धातु की ओर, प्रच। प्रच मीन्स होता है पूछना, आस्क, इंग्लिश में कहते हैं आस्क। प्रच, प्रच मीन्स पूछना। राम श्याम से प्रश्न पूछता है, राम श्याम से प्रश्न पूछता है। तो राम है श्यामम प्रश्नम प्रश्यति, राम है श्यामम प्रश्नम प्रश्यति। राम है हमें एक प्रथम, आपकी प्रथम व्यक्ति आई है, और इन दोनों में द्वितीय व्यक्ति है, वो क्यों आई है वो आप वही बात समझना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली धातु की ओर, ची। ची, ची मीस होता है चुनना, चुनते ना किसी चीज़ को, चुनना इधर उधर, जैसे कि माली वृक्ष से फूल चुनता है, माली वृक्ष से फूल चुनता है। तो इसको कैसे बोलेंगे संस्कृत में, मालाकार वृक्षम पुष्पम चिनोती, मालाकार वृक्षम पुष्पम चिनोती। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी धातु की ओर, ब्रू। ब्रू मीस होता है बोलना, ब्रू। ब्रू मीस क्या होता है, बोलना। अब आप कहेंगे बोलना कहाँ से द्विकर्मक धातु, द्विकर्मक धातु का अब जब तो मैंने इतने सेंटेंस को उदाहरण दिए हैं आपको, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे दो कर्म हो रहे हैं, एक कर्म अकेला नहीं हो रहा। जैसे शिक्षक छात्र से इतिहास की बात करते हैं, शिक्षक छात्र से इतिहास की बात करते हैं, शिक्षक है छात्रम इतिहासम ब्रूते। चलिए आते हैं अगली धातु पर, शास। शास मीन्स उपदेश देना, उपदेश दिए जाते हैं जो गुरु के द्वारा शिष्य को उपदेश दिया जाता है, किसी को भी किसी के द्वारा उपदेश दिए जाते हैं। तो वो आपका किस तरीके से उपदेश, कि आचार्य शिष्य को धर्म की राह पर चलने के उपदेश देते हैं, आचार्य शिष्य को अच्छे मार्ग पर चलने के उपदेश देते हैं। तो इसमें आपका क्या आएगा, द्विकर्मक धातु है जो आपकी शास है। चलिए इसको ही संस्कृत में बनाते हैं, गुरु शिष्य को अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं, गुरु है शिष्यम सन्मार्गम शास्ति, गुरु है शिष्यम सन्मार्गम शास्ति। समझ गए, आगे बढ़ते हैं, जी। जी मीन्स होता है जीतना, जी। जी मीन्स क्या होता है, जीतना। राजा शत्रु से राज जीतता है, राजा शत्रु से राज जीतता है। अगर मैं यहाँ कहता है कि राजा शत्रु से जीतता है,
तो यहाँ पर द्विकर्मक धातु होती नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला कि राजा शत्रु से राज्य जीतता है, या फिर कोई भी चीज़ किसी से जीतता है, तो जैसे वहाँ पे एक और चीज़ आ रही ना कि मतलब यहाँ पे राजा है वो शत्रु से जीत रहा है, क्या जीत रहा है, राज्य जीत रहा है, तो इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक धातु होगी। समझ में आई बात? चलिए अब इसको संस्कृत में हम ट्रांसलेट करते हैं। निरपय शत्रुम राज्यम जयति, निरपय शत्रुम राज्यम जयति, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली धातु की ओर। मत, मत मीन्स होता है मथना, मथते हैं ना ऐसे, जो पुराने जमाने आपने कृष्ण लीला देखी होगी, तो कृष्ण लीला में क्या होता है, वो मक्खन मत दूध से मक्खन मथती हैं, तो वो ही है, राधा दूध से मक्खन मथती हैं। मतलब अगर मैं सिर्फ ये कह देता कि राधा मक्खन मथती, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दूध मथती है, राधा दूध मथती है, तो ये आपका कोई द्विकर्मक नहीं था, लेकिन यहाँ मैंने बोला कि राधा दूध से मक्खन मथती है, तो दूध भी है मक्खन भी है, इस चक्कर में यहाँ पर द्विकर्मक हो गया। चलिए इसको अपन संस्कृत में बनाते, राधा दुग्धम नवनीतम मथनाति, राधा दुग्धम नवनीतम मखनाति, मथनाति, मथनाति, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अगली धातु की ओर। मुश, मुश का मतलब होता है चोरी करना, मुश का मतलब क्या होता है, चोरी करना। अब इसमें द्विकर्मक होना चाहिए, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, चोर राजा से धन चुराता है, चोर धन चुराता है नहीं बोला मैंने, मैंने बोला कि चोर राजा से धन चुराता है, जो चोर है वो राजा से धन चुरा रहा है, तो इस चक्कर में यहाँ पर द्विकर्मक हो गया। तो इसको कैसे करेंगे हम, चोर है निरपय, अगर राजा आपको नाम लेना है तो राजा है, और अगर वो वैसे किंग वाला है तो निरपय, तो चोर है निरपम धनम मुष्णाति, मुष्णाति। तो आपको यहाँ पे समझना होगा, जब द्विकर्मक धातु आ रही थी यहाँ पे चोरी करने के लिए, आपको फिर यहाँ पे मुष धातु का यूज करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम, नी, नी मीन्स होता है ले जाना, जैसे हम लेते हैं कि राम तोते को गाँव से ले जाता है, राम तोते को गांव से ले जाता है, या श्याम बंदर को गांव से ले जाता है, श्याम बंदर को गांव से ले जाता है, तो इसमें क्या होगा, दो श्याम है जो बंदर को लेके जा रहा है, ये नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वो गांव से लेके जा रहा है, तो ये द्विकर्मक धातु हो गई। तो इसमें हम कैसे यूज करेंगे, श्याम बंदर को गांव से ले जाता है, तो इसको क्या हो जाएगा, श्याम है बानरम ग्रामम नयति, श्याम है बानरम ग्रामम नयति, समझ गए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगली द्विकर्मक धातु पर, हैर, 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 हैर मीन्स होता है हरना, हरण करना, चुराना, जो भी चीज़ें होती हैं, हैर हरण करना चुराना, इसमें आपका द्विकर्मक धातु कैसे आएगी समझ, जैसे हम इसमें पिछला एग्जांपल भी ले सकते हैं चोरी का, कि चोर राजा से धन चुराता है, तो इस तरीके से, या फिर चोर कंजूस से धन चुराता है, या धन चोर कंजूस का धन हरता है, चुराता है या ले जाता है, तो इसमें मतलब चोरी करने वाली बात आती है, तो वहाँ पर हम हैर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसी को करते हैं, तो चोर है कृपणम धनम हरती, चोर है कृपणम धनम हरती, चोर कंजूस का धन चुराता है, हरता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगली धातु पर, वह, वह मीन्स होता है वयन करना, वह नहीं कह रहा हूँ, वह, वहना, वहना, वहन, वहन करना, वह मीन्स वहन करना, ढोना, तो गधा गांव में भार ढोता है, तो कैसे बोलेंगे इसको, कि गर्दव ग्रामम भारम बहती, गर्दव ग्रामम भारम बहती। तो अब आपकी टोटल 15 हो गई है, पता चलने नहीं अपन को, लेकिन 15 हो गई है टोटल। अब आखिरी बची आपकी 16 भी जो है, वह कृष, कृष, कृषक वाला, कृष मतलब खींचना, निकालना, खींचना जो होता है ना, हल खींचना, बस वो ही बात है, हल खींचना है, खेती करना, कृष। तो आप देखते हैं इसका उदाहरण, किसान खेत से अन्न निकालता है, किसान खेत से अन्न निकालता है, तो कृष मतलब होता है खींचना या निकालना, तो किसान खेत से अन्न निकालता है, खेत से अन्न को निकालता है, तो यहाँ पर आपकी हो गई द्विकर्मक धातु, तो इसको कैसे पढ़े, किसान है क्षेत्रम अन्नम करसति, किसान है क्षेत्रम अन्नम करसति। तो गाइज इसी के साथ आपकी 16 की 16 द्विकर्मक धातुएं फिनिश होती हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो,
शेयर करो, कमेंट करो, दोस्तों को बताओ, जिसको संस्कृत नहीं आती उसको बताओ, जो हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं जिनको संस्कृत पढ़ने में लिखने में समझ में नहीं आती, बोल नहीं पाते, सब रटते हैं, उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंचाओ, क्योंकि मैं आपको सिर्फ हिंदी में या इंग्लिश में संस्कृत पढ़ना, बोलना और लिखना सिखाऊंगा। देखिएगा, संस्कृत टू संस्कृत सिखा पाना बहुत मुश्किल होता है। जो हिंदी जानते हैं, हिंदी से संस्कृत सीख रहे हैं, उनके लिए आसानी मुझे करना है, और जो इंग्लिश से संस्कृत सीख रहे हैं उनके लिए मुझे आसान करना है। तो गाइज, ऐसे लोगों को जो सिर्फ संस्कृत रटते हैं, जिनको रटते हैं बिना मतलब, उनको पता ही नहीं क्यों रट रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता, उन लोगों तक मेरे वीडियोज़ को पहुँचाएं, विभक्ति वालों को, बेसिक संस्कृत ग्रामर, जितने भी संस्कृत के वीडियो, सबको पहुँचा दो, फैला दो, बिल्कुल लिखते हैं आपसे, बिल्कुल फैला दो। और इसी तरह से वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह का प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।